वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरान से होंगे, जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी का मज़ा इसी चीज़ में कि अपने इर्द गिर्द हम लोग का खास ख्याल रखा जाए। आज मैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, वो भी बिरयानी बना रहे हैं, वो भी न्यू स्टाइल में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल हमने डाल दिया है गर्म करने के लिए। आप ये वाला स्पून यूज़ कर सकते हैं लकड़ी का, क्योंकि वो जो स्टील का होता है आप लोगों को पता है वो आवाज़ करता है, तो इससे आप इजली बना सकते हैं। ये मुझे न्यू बात पता लगी है। और यहाँ पे हमने प्याज कट कर दी है, देख सकते हैं। और प्याज आपने ले लेना है, चार अदद आपने प्याज ले लेना है, सारे जब प्याज ले लिया। और यहाँ पे टमाटर देख सकते हैं हमने ले लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अदद हमने ले लिए। यहाँ पे हमने प्याज डाल दिए, जैसे ही प्याज ये ब्राउन होगा तो आगे क्या करना है हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, राइस को भगो के रख दिया। आप चाहते हैं कि अगर आपकी अच्छी बिरयानी बने तो आपने राइस को भगो के रख देना काफ़ी टाइम पहले। अब यहाँ पर चावलों का पानी बॉईल हो चुका है, तो उसके अंदर हम डाल दें क्या डाल दें, घी ऐड कर रहे हैं। क्यों डालते हैं ये, ताकि आपस में जो चावल जुड़े हैं इसलिए घी डालते हैं। अब जैसे ये बॉईल हो जाएंगे तो इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे, ताकि कवर की तरह यहाँ पे हमने इसको बंद करके रख दिया प्याज को, ताकि जल्दी से ये पक जाए। पानी बॉईल हो रहा है और यहाँ पे मैंने बताया कि प्याज हमने बंद करके रख लिया, मैरिनेट किया हुआ है सब कुछ मिक्स करके। ये हमने सारा मटेरियल मैरिनेट करके रखा हुआ है, जिसमें है हमारे पास चिकन है, चिकन के ऊपर मसाला ऐड किया, हरी मिर्चों को भी ग्राइंड करके इसके अंदर डाला, बिरयानी मसाला सब कुछ इसके अंदर ऐड करके हमने रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाला हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ये कलर आया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा था साथ में कुछ बर्तन भी डाल देते हैं जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हरा पुदीना ढेर सारा, और ये धनिया, ये भी उसके अंदर जाएगा। हमने वॉश कर लिया टमाटरों को, अब हम इनको कट करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अब इसको हम काट देंगे, 6 अदद हमने टमाटर लिए, तो सनी बुड्ढी टेप में आपने काटने, इनको आप ग्राइंड कर ग्राइंड करोगी जी, ऐसे डाल देते ऐसे ही डालेंगे। अगर आप ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। आप पे मैं देख सकती हूँ प्याज की सूरत है, आप देख सकते हैं। इसको बंद करने का ये फ़ायदा कि आपका प्याज जल्दी पक जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जब तक बाहर से आपको व्यू भी दिखा दूँ, और बाहर की लाइट भी ऑन करके आ रहे हैं, देख सकते हैं सीढ़ियों पे बाबा छू, और लाइट ऑन कर देते हैं हम सीढ़ियों के, देख सकते हैं मैंने लाइट ऑन कर दिया। और हम तशरीफ़ यहाँ पे बोतलें हमें सलामी करती हैं, कहती हैं कि हमें साइड पे कर दो, तो ये रात को आएंगे मर्द हजरात तो वो साइड पे करेंगे, क्योंकि हमारी हिम्मत तो है नहीं इनको उठाने की। और हम वापस किचन में आ चुके हैं, जब तक ये दोनों चीज़ें पक जाती हैं, पानी भी बॉयल हो जाए, जैसे चेक कर लेते हैं बॉयल हुआ कि नहीं। तो अभी इसको टाइम है, देख सकते हैं ऑयल इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ। तो जी तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही थी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों का खास ख्याल रखा करें, और इसी तरह सपोर्ट शेयर करते रहा करें हमें, और जिस तरह से मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, दूसरे को सपोर्ट किया करें, हसरत ना किया करें। हसरत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दिल से सपोर्ट किया करें, दिल से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करें। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इनको एंजॉय किया करें। ये मैंने कहा मसाले इनको सजा के रख दें, क्योंकि कभी इमरजेंसी में निकालने पड़ते तो बड़ा मसला होता, तो मैंने इनको अच्छे से सजा के रख दें। अब चलते हैं अंदर, जब तक हमारी ये दोनों चीज़ें पक नहीं जाती, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शहजादी खेल रही है, जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता तो मैंने कहा इसके साथ खेल लूँ अच्छे से। देख सकते हैं इसकी आइस का कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना अच्छा ये खेलती है। चलते हैं जाके देखते हैं इसकी तरफ ब्राउन हुआ है कि नहीं।
खुर्जा सिमसिम मतलब हाल हुआ है यहाँ पे। शुक्र है थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो कराची में गैस भी आना शुरू हो गई है। चावलों का पानी बॉयल हो गया है, यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे। इसके अंदर डाल दिए, डालना भूल गया, अभी डाला है, अभी डाला हमने। ये गरम मसाले में होती हैं दालचीनी वगैरह, वो डाली है। इससे चावलों में अच्छा टेस्ट आता है। मोटा है फ्रेंड। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस, सिंपल राइस है, मैंने आपको बताया है वाइट राइस बिरयानी के लिए हम बॉईल करते हैं। दूसरी तरफ हमारा प्याज जो है कि आज ब्राउन होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमने थोड़ा मोटा प्याज काट दिया, तो आपसे कहूँगी कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने प्याज बारीक चॉप करके कट करना है। देख सकते हैं राइस हमने कम्प्लीटली डाल दिए हैं। आप लोगों ने हैंड पे फोकस नहीं करना, राइस पे फोकस करना है। देख सकते हैं आपने अच्छे से बर्तन को साफ करना है, कोई भी चावलों का दाना ज़ाया नहीं करना क्योंकि पता है इससे आपके खाने में बरकत होती है और फिर रिस्क में इजाफा होता है, इसलिए किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। अब आपने राइस डाल देने और थोड़ा सा इसको हिला देना है। अब हम इसको बंद कर देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। और यहाँ पे हम वापस आ गए अपने प्याज की तरफ जो कि अभी तक शायद ब्राउन हुआ नहीं हुआ है, देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कुकर है ये भी थोड़ा डबल उस पर बना हुआ है तो इसमें प्याज पकने में टाइम लगता है थोड़ा। कोई नहीं, पक जाएगा जब तक हम वेट ही कर रहे हैं। ऐड कर दिए प्याज, ब्राउन हो गया था, अब टमाटर डाल दिए। अब टमाटर पकेंगे तो आगे क्या डालेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। इसमें राइस चेकर, तो ये मेरी कज़न की, ये बिरयानी की रेसिपी मेरी कज़न की पर्सनल रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें। यहाँ पर राइस, अभी राइस हमारे कम्प्लीटली बॉयल नहीं हुए, थोड़ा इसमें है टाइम तो थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे इसके बॉयल होने का। और यहाँ पे टमाटर पक रहे हैं, यहाँ पे हम मसाला हमने फ्रीजर से निकाल के बाहर रख लिया ताकि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए सारा कुछ इसके अंदर। जैसे देख सकते हैं कितना अच्छे से मसाला इन पीसेस में लग चुका है। अभी तक मसाला डाला है कितनी खुशबू आ रही है, सोच लो। तो अभी हमने इसके अंदर वही बात है कि ये अभी से मसाला हमने डाला नहीं, इतनी अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है, तो लाइक तो बनता है, जरूर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे चावल हमारे तैयार हैं जिनको हमने बॉईल करने लगे, देख सकते हैं माशाल्लाह से। जैसे ही गर्मियाँ सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो गैस का देख सकते हैं नज़ारा, और देख सकते हैं माशाल्लाह से गैस को देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। कम्प्लीटली मार्शल से बॉयलर कोई भी आप देख सकते हैं, राइस एकदम खड़े से हैं, टूट रहे नहीं हैं। देख सकते हैं मार्शल से चावल का दाना कितना लंबा हो चुका है बॉयल करने से, और इसको हमने भगो के रखा हुआ था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, अब बस बिरयानी का मसाला रेडी होने की देर है और फिर हमने इसको लगा देना है दम पे। मैं फाइनल लुक बताऊंगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप मसाला हमारा रेडी हो रहा है। अगर आपके टमाटर पकने में टाइम लगाएं तो आप ये लांगड़ी के डंडा लेके उसकी मदद से इस तरह से आप गुड़ के जैसे हम चटनी को पीसते हैं इस तरह से आपने पीस देना। देख सकते हैं टमाटर कितने जल्दी आपके मेल्ट हो जाएंगे और पक जाएंगे जल्दी से, आप इस तरह से कर सकते हैं। देख सकते हैं ये नए तरीका, नई नई छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, काम आती हैं क्योंकि सम टाइम हमें जल्दी होती है, मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हमारे टमाटर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं ताकि टमाटर का टाइम नहीं लगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं मसाला जो दही लगा के हमने फ्रीज़र में रखा था, देख सकते हैं इसमें कोई पानी आपने ऐड नहीं करना, बस दही को मेल्ट करना है। आधा किलो या किलो दही ले लें, क्वांटिटी की वजह से डालते हैं मुर्गी और चावलों के हिसाब से आपने डालना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा मसाला लगा, इसमें हम हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये मसाला जो है सारा मिक्स हो जाए। देख सकते हैं इसके अंदर मैं पानी रख रही हूँ क्योंकि आपको पता है एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो इस वजह से मुझे ये रख कर डालना पड़ा है। अब ये खुद ही साफ करके इसके अंदर ऐड कर दीजिए। जब हम देख सकते हैं मसाला माशाल्लाह से अभी कोई कलर नहीं ऐड किया, कुछ ऐड नहीं किया, और इसका देखें आप माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा आया है।
अब इसकी गैस को हम कर देते हैं कम, अगर नीचे न लगे, नीचे न लगे मीडियम, मैंने गैस को कर दिया। अब इसको हम करके ढक के रख लेंगे और ये पकता जाएगा, उसके बाद हम मिक्स कर देंगे, है ना। अभी सही पकेगी तो हाँ पक जाएगा, तो इसके अंदर हम चावलों को मिक्स करके दम पे लगा देंगे। हमारी मुर्गी वगैरह पकती, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तन मुझे कह रहे हैं आपका इंतज़ार है हमें वॉश करें, तो हम जब तक बर्तनों को वॉश कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है बर्तन साथ साथ वॉश करते हैं जाएँ तो आराम से सब कुछ हो जाता है। बर्तनों को साथ साथ वॉश करना चाहिए, किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ना कि गंदा किचन। किचन जितना अच्छा आप साफ़ करेंगे इतनी आपकी पहचान होगी, क्योंकि लड़कियों की पहचान किचन से होती है कि आपका किचन कितना साफ़ सुथरा है। अगर आपका किचन गंदा है तो समझ लें आप एक निकम्मी लड़की हैं, हमारी आप एक निकम्मी लड़की हैं इसकी नज़र में, अपने घर वालों की नज़र में। इसलिए मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ जल्दी जल्दी से, फटाफट से जो आप भाई अंदर जो, ये हरी मिर्चें फ्रीज़र में रखनी है मैंने, और इसको नीचे साफ़ करके नीचे फेंक देना है ताकि अच्छे से ये जो शेफ्स देख सकते हैं। चुटकियों में मैंने साफ़ कर दिया, अब इसको मैंने रख रही हूँ फ्रीज़र में, रख देना थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश करना है। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आजकल तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पे भी चीज़ें रखी हुई तो इनको मैं यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि अभी हमने इसको बिरयानी के अंदर डालना है। स्पून में निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स नमाज़ पढ़ा करें, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, इससे कामयाबी आपके कदमों में खुद चल के आएगी, नमाज़ की पाबंदी किया करें। जी तो फ्रेंड्स दम लगाने का टाइम आ गया चावलों को, इसके लिए हम पतीले में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ओके थोड़ी गैस क्या करीस थोड़ी, ये ले जरदे का रंग उसको दे दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस डाल कर रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं राइस जी। तो फ्रेंड ये हमने फूड कलर ऐड किया है, अब इसको हम दम लगा। जी तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बिरयानी को डाल दिया है, अब इसके अंदर प्याज डाला जा रहा है, ये भी डालूँ। ये जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको नुकसान नहीं देगी, इसलिए आप इसके अंदर ये धनिया लाजमी ऐड करें। तो ये पकाया राइस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, देख सकते हैं 3 स्टेप में ये हमारे दम पे लगेगा। हमने डाल दिए राइस, एक तय हमने चावलों की लगानी है, उसके ऊपर हमने चिकन डाला, उसके अंदर हमने प्याज डाला, और अब बकाया देख सकते हैं आप। काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, पर जब बनती है तो मज़ा भी बहुत आता है खाने में। अंदर हमने फिर से वही वाला स्टेप रिपीट करना है, फूड कलर देन पुदीना चिकन देखो प्याज। मेरे हाथों से भी थोड़ा सा पेस्ट चला जाए। इस बिरयानी को बनाते हुए कुछ तकरीबन 3-4 लोगों का हाथ लगा, तो अच्छी तो बनेगी ना, इतनी मेहनत की गई है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा कलर लग रहा है इसका, माशाल्लाह नज़र ना लगे जी। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से, अब बकाया प्याज हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया जो बच गया था, और ये है हमारे पास भाई पुदीना धोया था, देख सकते हैं बकाया पुदीना हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से आप बर्तनों को आज टूटे ना हमारे, क्यों चारों तरफ फैला रहे, चारों तरफ अच्छे से हमने फैला दिया। इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड कर दिया, जो हमारी बिरयानी बनाने वाली आज कुक थी वो बड़ी हार्ड है, बहुत गुस्सा करती है ऐसे मजाक इसमें आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है मेरी एज की हमारी बिरयानी का फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत प्यारा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा।
देते हैं। सिर्फ लैपटॉप थी मैं, इनको मेरी कज़न थी, तो ये तैयार हो चुका। अब इसको हम दम लगाएंगे। दम लग चुका है और ये दम लगता रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से मैंने चावल रख दिए अपने टेस्ट के लिए। हम एंड में खाते होते थोड़े से मैंने बर्तन वॉश करने हैं। यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करने लगी। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये ब्लॉग और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बर्तनों के ढेर लग जाते हैं जब भी काम करता है, तो चले कोई नहीं, ये प्याज बच गया तो मैं इसको साइड पर रख दूँ। इसको भी हमने वहाँ पे रख देना है। आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करते रहा करें, एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। सपोर्ट करने से ही इंसान, आप लोग की सपोर्ट से ही इंसान आगे निकल कर देख सकते हैं। फ्रीज़र में हमने पेपर लगा दिए जिसकी मदद से कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरती और फ्रीज़र कितना प्यारा साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं आपसे कह रही थी कि इसी तरह मुझे लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से ही हमने आगे बढ़ना है। तो जैसे मैं आप लोग को सपोर्ट करती हूँ, आप लोग भी मेरी सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब किया करें। तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का भी खास ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें।